अभी आप लोगों ने सुना होगा कि गोल्ड बॉन्ड स्कीम है जो कि अभी लॉन्च हुआ है नवंबर 2015 में, उसका फिर एक ट्रांच आया है, इसके लिए कुछ बताना चाहूंगी। लेकिन सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि आखिर ये बेस क्या था गवर्नमेंट को गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाने का। यहाँ पे शुरुआत होती है हमारे भारत से, जहाँ की हम जानते हैं करीब 20,000 से 22,000 टन सोना जो है हमारे देश में है, उसके बावजूद हमारे जो सालाना जो आयात है सोने का वो करीब 1,000 टन होता था, जो कि अभी फिलहाल 650 टन है, 700 टन हो रहा है। लेकिन अगर ऑन एन एवरेज हम ले लें तो 900 टन 1,000 टन का सोना जो है वो आयात होता था। अगर रही बात इम्पोर्ट बिल की, तो सोना जो है वो हमारा सेकेंड हाईएस्ट इंपोर्टेड कमोडिटी है, जिसकी वजह से क्या होता था कि सिस्टम से डॉलर जो है वो आउटफ्लो होता था और हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो काफ़ी वाइड हो रहा था। गवर्नमेंट ने सोचा कि जो ऐसी स्कीम लानी चाहिए जिससे कि हमारे देश में जो सोना है वो आइडल जो पड़ा है वो यूटिलाइज किया जाए। ये आश्चर्य की बात है कि अगर सिर्फ हम हाउस होल्ड की बात करें तो यहाँ पे 22,000 से ज़्यादा टन सोना होने की उम्मीद है, जबकि अगर मंदिर की बात की जाए, सिर्फ मंदिर की बात की जाए तो 3 से 4 हज़ार टन सोना जो है हमारे मंदिरों में है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि ऐसे स्कीम निकाला जाए जिससे कि जो आइडल पड़े हुए सोने हैं वो जो है वो चैनलाइज हो और फिर से वो सिस्टम में आए, और जहाँ तक की ज़रूरत होती है, चाहे वो बैंकर्स को ज़रूरत हो या फिर वो ज्वेलर्स को ज़रूरत हो या हमारे घर में जो गोल्ड रखा है हम उसको यूटिलाइज करना चाहें, उस पर लोन लेना चाहें, इसके लिए गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने नवंबर 2015 में एक स्कीम लॉन्च की, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है ये, GMS जिसे हम बोलते हैं। इसके तहत एक तो मोनेटाइजेशन आ गया, जिसमें कि हम जो हमारे पास फिजिकल गोल्ड होता है उसे हम ले जाते हैं बैंक्स में, वहाँ पे लैब टेस्टिंग होती है, उसकी प्योरिटी जांच की जाती है और उसे प्योरिटी बताना होता है, वेट बताना होता है, और उसे फिर मेल्ट करके हम लोग इशू करते हैं, पेपर इशू करती है बैंक्स करती है, और वहाँ पे उसके एवरेज में हम लोन भी ले सकते हैं और काफ़ी अधिक फायदे हैं। दूसरी चीज़ है गोल्ड बॉन्ड स्कीम है। इस स्कीम में आप फिजिकल गोल्ड खरीदना अवॉइड करके आप पेपर गोल्ड खरीद सकते हैं। तीसरी जो हमारे स्कीम थी वो थी अशोक चक्र, जो गोल्ड क्वाइंस है वो यहाँ पे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, क्योंकि हमारे देश में ज्वेलर्स अभी तक गोल्ड क्वाइंस जो है वो बेच रहे थे, बैंकर्स बेच रहे थे, और बाहर से हमारे विदेशी जो गोल्ड क्वाइंस है वो यहाँ पे इम्पोर्ट हो रहे थे, लेकिन कोई भी गोल्ड क्वाइन ऐसा नहीं था जिसमें कि हमारा जो इंडियनिटी है वो यहाँ पे दिखे। तो गवर्नमेंट ने एक गोल्ड क्वाइन लॉन्च किया जिसमें कि हमारा जो चिन्ह है, इंडिया का चिन्ह है, वो प्रोमिनेंट यहाँ पे होता है और एक प्राइड जो फीलिंग होती है वो हमें आती है। तो अभी सरकार ने यहाँ पे एक ट्रांच हम जिसे बोलते हैं वो अभी लॉन्च किया है गोल्ड बॉन्ड स्कीम का, और ये 24 से 28 अप्रैल तक है। तो आज 26 अप्रैल हुआ, अभी हमारे पास 27-28 अप्रैल का और टाइम है और इसमें हम अपना गोल्ड बॉन्ड जो है वो ले सकते हैं। थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी, ये एक बॉन्ड स्कीम है जिसमें कि आप पेपर गोल्ड खरीद सकते हैं। कहाँ से खरीद सकते हैं, तो यहाँ पे आप बैंक्स पे जाके खरीद सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं, जो NSE के जो एजेंट्स होते हैं वो भी आपको ये दे सकते हैं। NSE BSE भी जो है ये बॉन्ड इश्यू करता है। अब इस बॉन्ड की खासियत क्या है, आप फिजिकल गोल्ड ना खरीद के आप ये बॉन्ड क्यों खरीदें? सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक RBI के बिहाफ पे एक मूल्य तय किया जाता है कि 1 ग्राम गोल्ड का क्या यहाँ पे भाव होगा। अगर जैसे मैं बात करूँ कि पहले ट्रांच का, तो जो रेट चलता है गोल्ड के उसके हिसाब से ये तय होता है, और 24 से जैसे 28 अप्रैल तक ये जो रेट है ये सेम रहेंगे। तो यहाँ पे अगर इस बार की मैं बात करूँ तो 2901 पर ग्राम गोल्ड का यहाँ पे रेट तय हुआ, लेकिन अगर मैं पिछले जो ट्रांचेस आए हैं उसकी बात करूँ, सपोज अगर 2016 की बात करती हूँ, तो पहले ट्रांच में जो था ये करीब 2600 था, फिर ये बढ़ के 2916 हुआ, फिर ये 3000 के भी पार गया। अभी गोल्ड की वैल्यू थोड़ी सी कम हुई है, तो इस ट्रांच के लिए जो वैल्यू दिया गया है वो 2901 है पर ग्राम। अब दूसरी बात यह है कि ये कितने अमाउंट पे हम ले सकते हैं। यहाँ पे जो मिनिमम अमाउंट आप ले सकते हैं वो 2 ग्राम है, और जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 500 ग्राम है। तीसरी चीज ये है कि हम ये क्यों ले, हम फिजिकल गोल्ड क्यों ना ले। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप पेपर गोल्ड लेते हैं आपको स्टोरेज कॉस्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि जो कि आपको फिजिकल गोल्ड में लगता है सेफ्टी इशू होता है, या तो आप बैंक्स में रखते हैं वहाँ स्टोरेज चार्जेस हैं, अगर आप घर में रखते हैं वहाँ पे आपको सेफ्टी इशू आता है। दूसरी चीज़ है कि
जब आप मैच्योरिटी पे इसे लेते हैं तो आपको टैक्स नहीं लगता है. इसकी मैच्योरिटी सपोज 8 साल बाद अगर आप इसे लेते हैं तो आपको वहाँ पे टैक्स बेनिफिट जो है वो भी यहाँ पे मिल जाता है, टैक्स नहीं लगता लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. और तीसरी चीज यहाँ पे ये है कि आप सपोज आपने यहाँ पे 2901 के लेवल पे 2 ग्राम खरीद लिया, करीब आपको ये 6000 रुपए का आपने खरीदा. अगर 5 साल से 8 साल की अगर बात करें, मुझे लग रहा है कि अगर रिटर्न की मैं अगर बात करूँ तो पिछले 10 साल में गोल्ड का जो रिटर्न अगर हम मान के चले तो 13.66% है अगर पिछले 10 साल का मैं एवरेज लूँ. यही मैं अगर सेंसेक्स की बात करती हूँ तो सेंसेक्स के रिटर्न से ये थोड़ा सा नीचे है, क्योंकि सेंसेक्स का अगर 10 साल का मैं एवरेज रिटर्न लूँ ये 13.97% है. अगर इसके हिसाब से भी हम चलते हैं और एक कंजर्वेटिव फिगर भी लेके चलते हैं तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड की वैल्यू आज से 8 साल बाद अगर कितनी भी कम होगी तो मुझे नहीं लग रहा कि 35 से 36,000 से नीचे होगी यहाँ पे. तो सबसे बड़ी बात है कि आप 2900 के लेवल पे पर ग्राम पे आप खरीद रहे हैं. जो सेलिंग प्राइस आपका कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि समवेयर अराउंड 3600-3700 वहाँ पे होगा. प्लस इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने 2.75% इंटरेस्ट पे दिया है, जो कि आपको हाफ ईयरली जो है वो आपके अकाउंट पे एड ऑन होता चला जाएगा. दूसरा बेनिफिट, तीसरा जो बेनिफिट है वो यहाँ पे ये है. चौथा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गोल्ड आइडल होता है और गोल्ड को हम कहते हैं कि फ्रेंड ऑफ बैड टाइम. जब भी बुरा समय आता है तो उसको हम या तो हम गिरवी रखते हैं या बेच के हम यहाँ पे पैसे लेते हैं. यहाँ पे ये रोल भी प्ले कर रहा है गोल्ड बॉन्ड स्कीम. आप इसके कोलैटरल लोन ले सकते हैं, NBFCs है ये आपको लोन देंगी, बैंक्स जो है इसके बिहाफ पे आपको लोन देंगी. तो ये सारे फायदे हैं इसमें गोल्ड बॉन्ड स्कीम में. आप यहाँ पे जा सकते हैं, गोल्ड बॉन्ड स्कीम आप खरीद सकते हैं. जो मैक्सिमम लिमिट है वो 500 ग्राम है यहाँ पे, फिर अगले साल आप 2 ग्राम से लेके 500 ग्राम तक आप इसको रख सकते हैं. गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च किया ताकि हमारे यहाँ जो इंडिया में इम्पोर्ट जो होते हैं और हमारा जो इम्पोर्ट बिल बनता है उसे रिड्यूस करने के लिए, ताकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो रिड्यूस हो. एक आंकड़ा मैं आपको बताती हूँ जिससे पता चलेगा आपको कि कितना बड़ा पार्ट जो है वो हम सोने में यहाँ पे दे रहे हैं. GDP का 1.5% जो है वो गोल्ड यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है. तो अगर क्यों ना हम अपने घर के गोल्ड को यूटिलाइज करें और यहाँ पे पेपर गोल्ड खरीदें, ताकि जो इम्पोर्ट हो रहा है उसको यहाँ पे डिस्करेज किया जाए और जो हमारे पास आइडल पड़े हुए गोल्ड हो वो सिस्टम में आए और वो यहाँ पे यूज हो. तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक विन विन सिचुएशन है. और यहाँ पे अगर निगेटिव साइड में बताना चाहूंगी, क्योंकि निगेटिव साइड को भी लेके चलना चाहिए. निगेटिव साइड में मुझे लग रहा है कि चूंकि फिलहाल अभी एक्सपेक्टेड नहीं है, ये हो सकता है कि अगर गोल्ड प्राइसेस जो है वो थोड़े से कम हो जाए, जो कि मुझे नहीं लग रहा पिछले 10 साल का रिटर्न देखते हुए कि यहाँ पे जो गोल्ड प्राइसेस है वो कम होंगे आने वाले 5 से 8 साल में. एक ये रिस्क रहता है कि जब आप बेचने जाए तो वहाँ पे गोल्ड प्राइसेस कम हो, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस कम होंगे इकोनॉमी को देखते हुए, क्योंकि सेफ इवन बाइंग रहती है और पोर्टफोलियो का 4-5% जो है वो गोल्ड में निवेश करके चलना चाहिए. इसकी एक और खासियत है क्योंकि ये सिमिलर टू ETF हम इसे मान सकते हैं, लेकिन ETF से इसमें एक सुपीरियर जो फीचर्स है ये है कि इसमें जो टैक्सेस है वो ना जो खर्चे हैं एक्सपेंसेस हैं वो ना के बराबर हैं. तो इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी अट्रैक्टिव है और इस पर गवर्नमेंट ने इसे काफ़ी अट्रैक्टिव बना के और मॉडिफाई करके ताकि यूजर्स फ्रेंडली हो ये इस तरीके से बना के भेजा हुआ है, ताकि ये पॉपुलैरिटी में आए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए जाए. अगर आप डेटा भी अगर देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि डेटा भी यही सजेस्ट करती है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो गोल्ड बॉन्ड के लिए जा रहे हैं. सरकार का टारगेट था कि 10,000 करोड़ तक जो ट्रांचेस थे पहले उसमें यहाँ पे निवेश होना चाहिए, हालांकि वो यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है. करीब ये 4,000 टन के करीब करोड़ के करीब हुआ था, लेकिन अगर ओवरऑल हम यहाँ पे देखें तो जो टोटल वैल्यू है वो काफी बढ़े हैं. क्योंकि अगर मैं पहले ट्रांच की बात करूँ तो 250 करोड़ का वैल्यू जो था वो यहाँ पे निवेश हुआ था, दूसरे में 726 है, जो कि होते होते 7 ट्रांच में बढ़ के 2351 करोड़ का हो गया है. तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है और वो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर रहे हैं. यहाँ पे भी मौका है, आपको गोल्ड बॉन्ड स्कीम के लिए आप जा सकते हैं. काफी सारे इसके फायदे हैं और विशेष जानकारी के लिए हम लोग रिपोर्ट्स भी अपलोड करते हैं इसके लिए और टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं. तो 28 अप्रैल जो कि अक्षय तृतीया है, इसको ध्यान में रख के लॉन्च किया गया, क्योंकि अक्षय तृतीया जो है एक शुभ दिन माना जाता है जबकि हम गोल्ड खरीदते हैं, चाहे वो फिजिकल गोल्ड हो या यहाँ पे पेपर गोल्ड हो.
तो मेरी यही राय रहेगी कि यहाँ पे काफी सारे फीचर्स को देखते हुए कि आपको यू कैन गो फॉर गोल्ड बॉन्ड स्कीम, और जो 4-5% अपना जो पोर्टफोलियो है उसे आप गोल्ड में बना के रखें, ताकि कि बुरे समय में ये आपके पोर्टफोलियो को इंश्योर कर पाए. थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग.